जय माता दी। दोस्तों दोस्तों, अगर आप लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा करने जाने वाले हैं या अभी से कुछ दिन बाद जाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों माता रानी पे जाने से पहले एक ऐसा काम जो आपको बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ये काम आप लोग जरूर कर लें। नहीं तो वहाँ जब माता रानी के दर्शन करने जाएंगे आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त, माता रानी के बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो लोग वहाँ पर पैदल यात्रा नहीं करते, फ्लाइट से जाते हैं। दूसरा, वहाँ पे जैसे बैटरी कार वगैरह चलती हैं उससे जाते हैं, और कुछ लोग रोपवे से जाते हैं। तो वहाँ जाने से पहले हमें ये कन्फर्म होना चाहिए कि हमें जाना कैसे है। और दूसरी चीज़ क्या होती है भाई, जैसे वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है और बैटरी कार की सुविधा मिलती है और खच्चर वगैरह है उनकी सुविधा मिलती है और पालकी की सुविधा मिलती है और आपको रोपवे की भी सुविधा मिलती है, तो इनकी टिकट हमें कहाँ कहाँ से लेनी है और कैसे इनका रिजर्वेशन करना है। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग माता रानी के भवन पर जब पहुँच जाते हैं, सबसे पहले हम लोग भवन पर जाते हुए पहले बाणगंगा जाते हैं, उसके बाद में अर्धकुंवारी माता रानी का जो गुफा दर्शन है वहाँ दर्शन करते हैं। माता रानी की गुफा को गर्भजून बोला जाता है, और गर्भजून में दर्शन करने के बाद में हम लोग माता के भवन के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम माता के भवन के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे रुकने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए होती हैं। अभी वहाँ पे रुकने के लिए एक बहुत बड़ा, वहाँ पे एक धर्मशाला ही, एक लॉज बोल सकते हैं, अभी माँ दुर्गा भवन वहाँ बना दिया गया है। तो अभी उसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे फिर भी जो श्राइन बोर्ड चलता है, श्राइन बोर्ड के थ्रू वहाँ पे कुछ रूम्स, कुछ बेड अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बेड्स आपको कैसे मिलेंगे? ये बेड्स आपको ओनली ऑनलाइन बुकिंग करने से ही मिलेंगे। और दूसरा, फ्लाइट में आप लोग कैसे जाएंगे? फ्लाइट में जाने के लिए भी हमें ऑनलाइन बुकिंग ही करना पड़ता है, फ्लाइट के लिए, बेड्स के लिए। और हाँ दोस्तों, सबसे मेन है यात्रा पर्ची। आपको माता रानी के दर्शन करने के लिए यात्रा पर्ची लगेगी। अब ये यात्रा पर्ची आपको कैसे मिलेगी? यात्रा पर्ची आपको तीन तरीके से मिलती है। एक तो सबसे पहले जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ पे भी आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। दूसरा, जब कटरा बस स्टैंड पे जाएंगे तो कटरा बस स्टैंड पे भी यात्रा पर्ची का काउंटर बना है। और तीसरा, ऑनलाइन मिल जाती है। तो दोस्तों, हो सके तो ऑनलाइन करके घर से चलिए। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 3 से 6 महीने पहले ही अपनी ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं। और अगर आप लोग अचानक से एक प्रोग्राम बन जाता है और माता रानी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं तो भी ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वहाँ आराम से जाइएगा। और कटरा में या फिर माता रानी के भवन के पास में या ऐसे बस स्टैंड है, उधर बस स्टैंड पे आपको आराम से यात्रा पर्ची मिल जाएगी। और आप सुबह 4 बजे माता रानी के दर्शन के लिए निकल जाइए। वहाँ जाएंगे आप लोग दिन में, माता रानी के भवन के लिए पहुँच जाएंगे। और वहाँ से माता रानी के भवन से भैरव बाबा पर जाने के लिए रोपवे चलता है। रोपवे का आने जाने का किराया ओनली 100 रुपीज़ है, तो आने जाने में आप रोपवे से चले जाइए। और जब आ जाएंगे वापस तो आप आराम से शाम तक दर्शन करके आ सकते हैं। अगर शाम तक आएंगे, ज़्यादा लेट भी हो गया, 9-10 बजे तक भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आराम से माता रानी के दर्शन करिए। जय माता दी दोस्तों, जय माँ वैष्णो।